अरे मुझे लग रहा है कि आप इस तरह सूट रहते हैं। मैं असल में इस बिल्डिंग को देख के दंग रह गई हूँ कि सर गंगाराम यहाँ पे रहते थे। चल यहाँ पे रहते थे लेकिन सुबह यहाँ शिफ्ट हो गए थे। अच्छा सर गंगाराम यहाँ पे कितने अर्सा रहे थे? 8-10 साल रहे होंगे। मुझे इस चीज़ की हैरत हो रही है कि लाहौर में बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें जो हैं वो सर गंगाराम ने बनाई, लेकिन उनकी अपनी जो रिहाइश गाह है वो इतनी खस्ता हाल है, ऐसा क्यों है? नहीं असल में जब वो यहाँ चले गए हैं तो ये बिल्कुल बुल्ला बाज़ की तरह बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। दूर में ज़्यादा बिल्डिंग इस तरह ही है। तो यहाँ पे रहता कोई नहीं है? यहाँ पर ना सिर्फ सर गंगाराम का घर है बल्कि इसके अलावा यहाँ पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद और अगर सिंगर्स की बात करूँ तो शाहिदा मिनी और शाजिया मंजूर के अलावा पंजाबी की मशहूर की आवाज सुनाई दे रही है और तबले की एक दुकान है, इनसे चलते हैं, जानते हैं तबले के बारे में। कितने अरसे से इस बाजार में तबलों को सुर में ला रहे हैं? बाप दादा से ही तबले बना रहे हैं हम। अच्छा आप ये याद है पिंतरों कल वजीराबाद के साथ उधर की ये याद काम है, ये ना चमड़ा है, ये बकरे की खाल है, बकरे की खाल इस्तेमाल होती है। ये और ये लगी हुई है गाय की खाल। अच्छा कितनी देर में एक तबला जो है वो सुर में आ जाता है? 2 घंटे लगते हैं कम से कम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने बाहर देखे कि एक बहुत बड़ी चप्पल पड़ी हुई है, वो किसकी चप्पल है, किसने कौन पहनता है वो चप्पल? नहीं वो शौक से बनाई हुई है। अच्छा यहाँ एक पिक्चर है जिसमें कोई पहलवान मुझे नजर आ रहा है, वो कौन है पहलवान? वो मैं ही हूँ। अच्छा आप हैं पहलवान। अच्छा आप तो खुद भी पहलवानी में रह चुके हैं तो इस इलाके में कौन कौन से मशहूर पहलवान थे? ओलू पुरातम के एक नाम है कामा पहलवान भी इनका बड़ा था, इमाम बख्श पहलवान भी उनका बड़ा था, गंगा पहलवान भी इनका बड़ा था। ये पोलू 4-5 भाई थे और इनकी आगे जो औलाद है वो जरा पहलवान था। वो यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा आपकी दुकान क्योंकि कदीम तरीन दुकान है बहुत तो यहाँ पर तो बहुत लोग आते होंगे, बहुत फिल्म स्टार्स भी आते होंगे। कौन कौन आया इस दुकान? लियास कश्मीरी की जुत्ती लभ नहीं थी कि तो जरूर आगे साढ़े को लेके बनवा के जाते और बाहर पर ही बेगम तेरी बाहर है कई फिल्म आई है मेरे साढ़े खुद से पागे। अच्छा सबसे महंगे अगर मैं खुद से की बात करूँ तो आपके पास कौन सा है, कितने का होगा वो? नहीं जी महंगा तरीन खुस्सा आ चुका है। लो जनाब इन भावे सोने की तारी बना लिए भावे चांदी की तारी बना लिए मगर ये मेहनत इन की है कि जो करारे ने इतने भी तिला अंदर भी जिसे पैर जाना है इतने भी और सोच गई है कि ऐसा अच्छा खुस्सा बन जाए। क्या बात है कितना खूबसूरत। कम से कम 10,000 तो ऊपर जाएगा थले नहीं जाएगा। 10,000 से महंगा है? हाँ जी। वाह और ये हाथ से बना होता है? सारा हाथ से, एक एक टांका हाथ से लगता है।
टकसाली गेट के मशहूर बाजारों में से एक बाजार है बग्गी बाजार, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो हमारा कल्चर है ये दम तोड़ने लगा है। लोग आजकल इस दौर में अपनी शादियों पे बड़ी से बड़ी गाड़ियों को तरजीह देते हैं, लेकिन इस कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।